हे गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने बजाज पल्सर N160 है। तो आज हम लोग इस बाइक का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं सिटी में, क्योंकि ज़्यादातर इस बाइक को सिटी में ही राइड करेंगे। उस वजह से आपको पता चलने वाला है कि इससे आपको सिटी में कितना ज़्यादा माइलेज देखने को मिलेगा। तो इसमें जो भी पेट्रोल पहले बचा हुआ है इसके टैंक में, उसको मैं पहले अच्छे से खाली कर लूँगा कुछ दूर चला के। जहाँ पर भी इस बाइक में आपको पेट्रोल खत्म हो जाएगा वहाँ पे मैं आपको यहाँ ट्रिप जीरो कर दूँगा। उसके बाद मैं आपको टोटल किलोमीटर आपको दिखाने वाला हूँ, और वहीं पर मैं एक्स्ट्रा को पेट्रोल भी डालूंगा आपके सामने ही नाप करके, जिस वजह से आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना होगा इसके माइलेज टेस्ट में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो सीधा चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जहाँ भी खत्म होता है उसके बाद मैं आपको ओडोमीटर जीरो करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा थ्रॉटल ले लेते हैं, ये आप देखें तो थोड़ा सा नीडल काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क करता है। इसका राइड रिव्यू में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है, और इधर से आप इसका एग्जॉस्ट साउंड को शायद सुन पाएंगे। फर्स्ट गियर इंगेज्ड, लेट्स गो। तो पहले ख़त्म होने का वेट करते हैं इसमें जो भी पेट्रोल बचा हुआ है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, काफ़ी दूर चलाने के बाद अभी फ़िलहाल जाके इसका टैंक वाला जो भी फ्यूल था वो टोटली ख़त्म हो चुका है। एक बार मैं आपको बाइक का स्टार्ट करके भी दिखाऊं ताकि आप अच्छे से समझ सकेंगे। इधर देखें तो आप इग्निशन ऑन, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल किया हुआ है। इसको सेल्फ स्टार्ट करते हैं, देखे एकदम भी चालू नहीं हो रहा, मतलब कि टोटली ख़त्म हो चुका है। इसमें किक तो है नहीं कि मैं आपको किक मार के दिखाऊं। तो अब मैं चलता हूँ और इसमें आपको फ्यूल डालता हूँ, उसके बाद मैं इसको चलाना शुरू करूँगा। एक बार और आप अच्छे से देख लें, अब देख सकते हैं टोटली ख़त्म हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं ओडोमीटर जो भी है उसको मैं ज़ीरो कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ट्रिप वन जो कि आपका 0.0 किलोमीटर हो गया है। शायद आपको मैं और नज़दीक से दिखाऊँ, हाँ अभी आप देख सकते हैं अच्छे से ट्रिप वन 0.0 किलोमीटर। अब मैं यहाँ से फ्यूल इसमें डालता हूँ, उसके बाद मैं चलना शुरू करता हूँ। अब मैं इसमें फ्यूल डालूंगा, एक लीटर में नहीं डालूंगा क्योंकि एक लीटर करने में आपको भी टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और मेरा भी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से मैं देख सकते हैं मैं 250 ml का एक ठो बोतल लिया हूँ, जिसमें कि मैंने 250 ml इसमें पेट्रोल डाला हुआ है। आप यहाँ से देखें चार्ज का बोतल है, और इधर लिखा हुआ है 250 ml, शायद मिट गया है क्या? इसमें जो लिखा हुआ था 250 ml वो थोड़ा सा मिट गया पेट्रोल की वजह से, पर कोई नहीं, आप कहीं भी बोतल देखिएगा तो आप देख सकते हैं ये 250 ml का ही है, इसमें कोई चीटिंग नहीं है। तो इसमें पहले सबसे पहले मैं इसमें फ्यूल डाल लेता हूँ। मैंने ओडोमीटर जीरो कर ही दिया है, तो इसका मैं फ्यूल खोलता हूँ। तो मैंने कहा इसमें जितना भी पेट्रोल था वो मैंने सब डाल दिया है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। अब बाइक हमको शायद लगता है कि एक बार में स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसे मैं बंद करता हूँ, आपका बंद हो गया, और यहाँ से मैं इग्निशन ऑन इसको रख लेता हूँ क्योंकि कभी ना कभी तो एक काम आएगा ही। अब मैं आपके सामने बाइक स्टार्ट करता हूँ, शायद एक बार में स्टार्ट हो जाए। एक बार में बाइक स्टार्ट हो गया है क्योंकि इसके पेट्रोल डालने के बाद। तो अब हम लोग चलते हैं और हम लोग सिटी माइलेज कर रहे हैं, तो देखते हैं कि इसके सिटी में ये कितना ज़्यादा आपको माइलेज अच्छा देती है। मैं जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रैवल करता जाऊंगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि मैंने अभी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अभी आप देखें तो हम लोग 100 m डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए हैं। अब मैं सीधा आपसे 10 या फिर 15 km पर मिलते हैं। और अभी तक गाइस हम लोग 4.7 km चल चुके हैं, और मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं 6.4 km अभी तक हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया है। तो और हम लोग इसको चलाते हैं जब तक कि पेट्रोल आपका टोटली ख़त्म ना हो जाए। ट्रैवल किया 8.1 km, और कितना चलेगा पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि माइलेज अप्रॉक्स इस बाइक में आपको 45 to 50 km पर लीटर का आपको माइलेज मिलना चाहिए सिटी में, और हाईवे में शायद आपसे थोड़ा सा इससे ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। वो तो आपके सामने अभी पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। देख सकते हैं कितना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है इधर। यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि तेल मेरा छोड़ रहा है, ऑटोमेटिक थोड़े से झटका दे रहे हैं, पर अभी तक बंद हुआ नहीं, अभी भी चल रहा है। और अभी हम लोगों ने जो ट्रैवल किया है 10.3 km, चलाते हैं और जब तक कि टोटली पूरे अच्छे से बंद ना हो जाए। देखिए अभी देखिए एक्सेलरेटर पूरा छोड़ दिया है, पूरा टोटली ये हमको लग रहा है कि अब बंद हो जाएगा।
एक्सेलरेटर पूरा छोड़ चुका है ये गाड़ी, तो यहाँ पे आके शायद बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया, और बंद भी ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे ब्रिज है। अब मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इग्निशन ऑन है, इधर इंजन किन स्विच ऑन, एकदम नहीं चालू हो रहा है, देख सकते हैं। हुआ हुआ भाई, हो गया, फिर से चलाते हैं थोड़ा देर, हो गया तो फिर से चलाते हैं, क्या दिक्कत है। पूरा जब तक स्टार्ट होना बंद ना हो जाए तब तक मैं इसे चलाऊंगा। फिर से छोड़ने लग गया इसका एक्सेलरेटर, फिर से छोड़ने लग गया ये, पर अब जहाँ पे बंद हो जाएगा वहाँ पे मैं आपको फिर से चालू करके एक बार दिखा दूँगा। एक देख सकते हैं एक्सेलरेटर फिर से छोड़ रहा है पूरा, और अभी हम लोगों ने जो ट्रैवल किया 11.4 किलोमीटर तक ट्रैवल हो चुका हूँ। बीच में छोड़ दिया था तेल, फिर बंद भी हो गया था, फिर से मैं स्टार्ट करके देखा दो बार तो फिर से स्टार्ट हो गया। पहले बार में तो नहीं हुआ, दूसरे बार में हो गया, और अभी आप देखेंगे तो फिर से बंद हो गया। आप देख सकते हैं मेरा हाथ वाला एक्सेलरेटर ले रहा हूँ मैं, ये टोटली बंद हो चुका है। अभी हम लोगों ने ट्रैवल किया है 11.6 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। फिर से इसे मैं चालू करके एक बार और देखता हूँ, ये लास्ट अटेम्प्ट है, एकदम नहीं चालू हो रहा है, एकदम भी चालू नहीं हो रहा है। और अभी आप देखेंगे तो हम लोगों ने जो ट्रैवल किया है 11.7 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, शायद आपको यहाँ से दिख रहा होगा। हाँ, अभी आप देख सकते हैं 11.7 किलोमीटर अभी तक हम लोगों ने ट्रैवल किया है इसके 250 ml के पेट्रोल के साथ। अभी जो मुझे माइलेज निकाल के दी है सिटी में 11.7 × 4 किया जाए तो 11 × 44 किलोमीटर इधर हो गया, और 7 × 28 मतलब 2 किलोमीटर 800, 44 × 2 = 46, और 46 किलोमीटर 400 मीटर ये टोटल चला है। एक बार मैं आपको कैलकुलेटर के साथ भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। 11.7 × 250 ml पे चला × 4, देख सकते हैं 46.8 किलोमीटर पर लीटर का हमको सिटी में माइलेज मिला। तो सिटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइलेज इस बाइक से देखने को मिला, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं सिटी राइड के लिए चाहे हाईवे राइड के लिए, तो ऑफकोर्स आप इसे ले सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मेरा वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको इस बाइक के रिलेटेड चाहे अदर बाइक के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी आप देखें तो मैं सिटी में ही हूँ, और बीच में ही ये मेरा पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो अगले वीडियो में आपको फिर से मिलते हैं इस बाइक के हाईवे माइलेज टेस्ट पे, वहाँ मैं आपके दिखाऊंगा कि इसमें आपको हाईवे में कितना ज़्यादा माइलेज मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।